और सुल्तानपुर से बड़ी खबर मिल रही है, कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी है। राहुल गांधी ने दर्ज कराया है अपना बयान, अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी और 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। तो लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं राहुल गांधी और पहले लखनऊ से ही बाय रोड पहुंचे थे एमपी एमएलए कोर्ट। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सुल्तानपुर पहुंचे थे राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने अपने बयान दर्ज करवा दिए हैं और अब अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। तो अमित शाह पर दिए गए विवादित बयान पर मामला दर्ज हुआ था राहुल गांधी के खिलाफ और ये मामला एमपी एमएलए कोर्ट तक पहुंचा। इससे पहले भी एक तारीख दी गई थी लेकिन उस तारीख को राहुल गांधी पेश नहीं हो पाए थे, संसद का सत्र चल रहा था। आज राहुल गांधी जब पेश हुए, ये उससे पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और साथ ही कई सारे नेता उनके साथ में मौजूद थे, फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा था और राहुल गांधी ने अपने बयान दर्ज करवा दिए हैं। अब अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। माननीय राहुल जी का मुकदमा एमपीएमएलए कोर्ट नंबर 15 के यहाँ बयान दर्ज करने अभियुक्त नहीं था। माननीय राहुल जी आए, उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। माननीय राहुल जी ने कहा है कि परिवाद में कहे गए सारे आरोप निराधार हैं, ये निराधार हैं, ये राजनीतिक दुर्भावना से एक कंप्लेंट फाइल की गई है। मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी मानहानि को नष्ट करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहा है और ये परिवाद दायर किया गया है। मेरी तथा मेरी पार्टी की छवि को बदनाम करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से परिवाद दायर किया गया है। जज साहब ने, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, जज साहब ने ही सवाल किया कि आपने अमित शाह के खिलाफ ये कहा है, तो उन्होंने कहा किस तरीके से मैंने जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं निराधार हैं, इन आरोपों से मैं इनकार करता हूँ। अगली तारीख सुनवाई जो है 12 अगस्त 2024। और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी पप्पू पांडे जुड़ गए हैं और उनके साथ में राहुल गांधी के वकील भी इस वक्त मौजूद है। पप्पू पांडे, बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश भी कीजिएगा कि क्या तर्क आज राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में पेश किए गए। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से 5.5 साल मामले में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचे थे, वहीं राहुल गांधी के अधिवक्ता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि परिवारवाद पर राहुल ने साफ तौर पर कोर्ट में कहा कि ये कथन झूठे और निराधार हैं, मेरी और मेरी पार्टी की छवि को नष्ट करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जो भी आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने इस बात की जानकारी दी है। तो वहीं जो विजय मिश्रा के अधिवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए उन्हें 12 अगस्त की तारीख दी गई है, 12 अगस्त को वो अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज एक मामले यह है, राहुल गांधी सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे, वहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता कोर्ट परिसर में पहुंचे और वहां पर राहुल गांधी जब कोर्ट जा रहे थे तो काफी भीड़ थी, जिसको लेकर लोग वहां पर राहुल गांधी के नारे लगा रहे थे, राहुल गांधी के जय घोष कर रहे थे। इसी दौरान वहां पर कांग्रेस पार्टी का झंडा भी लहराया जा रहा था, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने विरोध दर्ज किया है कि कोर्ट परिसर में इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक मुस्लिम के तौर पर राहुल गांधी बिल्कुल, वो तस्वीरें भी आपने देखी है और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, जब राहुल गांधी पहुंचे तो कैसे फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत किया गया था। हालांकि कोर्ट ने इस पर एतराज भी जताया है।